अजमेर की पंचवटी इलाके में आज प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष और विधायक हेम सिंह शेखावत का स्वागत किया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी तैयारियां तेज कर रही है, तो इसी बीच हेम सिंह शेखावत अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे और उन्हें संबोधित किया। इस मौके पर आसपास की कांग्रेस प्रतिनिधि व टिकट के दावेदारों ने उनसे संपर्क करते हुए कई जानकारियां दी और आगामी चुनाव में कांग्रेस किस तरह से विजय हो इसे लेकर भी बातचीत की गई और प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी भी जताई। आज हमारे पंचवटी कॉलोनी के अंदर राजस्थान के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेम सिंह जी शेखावत साहब पधारे और कोई राजनीतिक नहीं, एक औपचारिक उनका स्वागत के लिए हमने वार्ड की ओर से सभी सदस्य इकट्ठे होके साफा और माला पहना के उनका स्वागत किया गया। और अभी जल्दी ही यहाँ पर चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ वार्ड के अंदर जो कांग्रेस का जो संगठन है उसको और मजबूती मिले और आने वाले चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करके जो भी कैंडिडेट पार्टी भेजती है उसको हम जिताने के लिए प्रयास करें, इसी पर चर्चा की गई। और जो भी आसपास के वार्ड के भी कुछ हमारे साथ सदस्य हैं, जैसे राकेश जी हैं, राकेश कुमावत हैं, इधर से गौरव जी हैं, काफ़ी लोग आए और उन्होंने इसके ऊपर आने वाले चुनाव पर चर्चा और मंथन किया और हम सभी वार्डवासियों की तरफ से उनका स्वागत किया गया। राम बाबू, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हेम सिंह जी शेखावत जी हमारे यहाँ पधारे निवास स्थान पे मामू साहब के हैं, तो आज हमने उनका क्षेत्रवासियों ने और जो पार्षद जो टिकट में जो मांग रहे हैं उनकी तरफ से उनका स्वागत किया गया और वो अपने उनका जो निवास स्थान पर स्वागत किया गया। मेरा नाम सुधीर जोसफ।